किसके पैसों में देंगे सर? मोटरसाइकिल के, बाइक के पैसों में आपको गाड़ी दे रहा हूँ, एसी भी वर्किंग में, एसी में आप फैमिली के साथ घूमे कि 20 लाख 21 लाख रुपए लोग मांगते हैं, मैं 19 लाख रुपए में आपको दे दूंगा। और बैंक से बोलेंगे तो वो भी फाइनेंस करा दूंगा। एक दो नहीं है, पूरी लाइन लगी हुई है। और बिल्कुल UBL से, मीज़ान से और दुबई इस्लामिक से जो है मैं आपको गाड़ियाँ फाइनेंस करवा के दे सकता हूँ। 10 साल बाद आपका दिल भर जाए गाड़ी से, आप मेरे पास वापस ले आए, मैं अपनी गाड़ी वापस ले लेता हूँ। सर ये कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, सारी फर्स्ट ऑनर गाड़ियाँ हैं और हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी इंस्पेक्शन हुई हुई गाड़ियाँ, कार सॉल्यूशन कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है। 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, इनको कमाऊ पूत गाड़ियाँ कहते हैं, ये दोनों कमा के देने वाली गाड़ियाँ। ये 17 मॉडल है, पूरे कराची में कहीं अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड एडिशन ये हमारे पास AKS मोटर्स पे अवेलेबल है। यानी कि बोल रहे हैं कि अगर किसी बंदे को गाड़ी चेक करना नहीं आती तो एक्सीडेंट की गारंटी है, टोटल लॉस एक्सीडेंट की 100% गारंटी है। पेपर चेक करने नहीं आते, कोई मसला पेपर की गारंटी नहीं है, आप सिर्फ CNIC दें आपको गाड़ी ट्रांसफर करके टैक्स क्लियर करके, जबरदस्त बिल्कुल। और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं किसी बैंक से तो वो भी सारा केस मैं करवा के दे दूंगा। तो आज हम मौजूद हैं कराची के सबसे बड़े शोरूम AKS मोटर्स के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं AKS के ऑनर नौमान भाई। नौमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नौमान भाई माशाल्लाह से गाड़ियों का स्टॉक तो यहाँ पर मुझे कल्टस की पूरी लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ऑल्टो नज़र आ रही हैं, उसके अलावा कोरे, सिविक, यानी कि हर गाड़ी सर आपने तो यहाँ परचेज करके रखी हुई है सर। आजकल जो मार्केट और हालात हैं उस हिसाब से मैंने छोटी गाड़ियों का ज़्यादा स्टॉक जमा किया हुआ है, जिसमें EFI गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं और छोटी ऑल्टो कोरे कंपनियों की बल्क क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो नौमान भाई सबसे पहली गाड़ी से हम लोग जो है वो शुरू करते हैं, तो कौन सी गाड़ी हमें जो है वो दिखाना चाहेंगे? कल्टसों का स्टॉक है मेरे पास, कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, सारी कंपनी मेंटेन्ड है, सारी फर्स्ट ऑनर गाड़ियाँ हैं ये, और ये 2003 की गाड़ी है, मार्केट में इस वक्त बहुत शॉर्ट है ये, और EFI में ये पूरी लॉट है मेरे पास 2014 की 15 की। ठीक है, तो जो भी भाई हमारे व्यूवर्स बोलते हैं कि एहसन भाई पुराने मॉडल की गाड़ियाँ यानी कि कल्टस दिखा दें, पुराना मॉडल हो, पैसे कम हो, गाड़ी अच्छी हो, तो गाड़ी आप लोगों ने जो है वो देखी फ्रंट से, बाकी इसका इंजन वगैरह भी आप लोगों जो है वो गाड़ी का चेक करवाते हैं, गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है, तो फ्रंट से आप लोग व्यू देख सकते हैं, लाइट वाइट बिल्कुल ओके हैं, बाकी भाई जो है वो इंजन रूम की बात की जाए तो ये भी आप लोग चेक करें, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा जो है वो बिल्कुल इंजन रूम, इसके अंदर जो है वो आप लोग देखें, सारी चीज़ें आप लोगों को नजर आ रही होंगी। तो नौमान भाई हम लोग जो है वो इसके रेट की बात करते हैं, क्योंकि देखें जिस तरीके से मॉडल है तो रेट भी क्या उस तरीके से है, जो हमारे व्यूवर्स कम पैसों में गाड़ी ढूंढ रहे हैं उनके लिए है नहीं है तोहफा। सर आप OLX और पार्क व्हील्स पे लो टू हाई करेंगे तो सबसे पहला ऐड आपको AKS मोटर्स का ही नजर आएगा, जबरदस्त। तो हम जो ऐड लगाते हैं वो होमवर्क करके लगाते हैं, 20 साल पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और टोटल लॉस एक्सीडेंट की और पेपर डॉक्यूमेंट टैक्स CPLC की 100% गारंटी है। ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं कि अगर किसी बंदे को गाड़ी चेक करना नहीं आती तो एक्सीडेंट की गारंटी है, टोटल लॉस एक्सीडेंट की 100% गारंटी है, पेपर चेक करने नहीं आते, कोई मसला पेपर की गारंटी मसला नहीं, आप सिर्फ CNIC दें आपको गाड़ी ट्रांसफर करके टैक्स क्लियर करके, जबरदस्त। यानी कि कोई भी फैमिली वाला बंदा हमारा आके यहाँ से गाड़ी परचेज कर सकता है। इसके अलावा आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद आपका दिल भर जाए गाड़ी से, आप मेरे पास वापस ले आए, मैं अपनी गाड़ी वापस ले लेता हूँ। अरे जबरदस्त हो गया, तो भाई ये आप लोग चेक कर लें, ऐसा सीन नहीं है कि भाई गाड़ी ले ली तो भूल जाए, भाई वापसी भी खरीद रहे हैं, बिल्कुल। तो नहीं, इसकी पहले गाड़ी की रेट हम लोग जो है वो अभी तक नहीं बताया हमने नौमान भाई। सर ये 2003 का मॉडल है, आप मार्केट वैल्यूएशन कर लें, जो मार्केट चल रही है उससे 20-30-40 हज़ार रुपये कम दे दें आप। ठीक है, क्या पैसे क्या है सर? सर इसका मेरा 6,30,000 रुपये का दहन है, इसमें AC वर्किंग में, सील्ड इंजन पे गाड़ी है, ब्रांड न्यू टायर है, चलने में बिल्कुल 100 गाड़ी है। ठीक है जी, तो एक गाड़ी की डिटेल्स तो आप लोगों को दे दी है, नेक्स्ट गाड़ी, क्योंकि देखें गाड़ियों की क्वांटिटी जिस तरीके से आप लोगों को बताई कि भाई कराची का इतना बड़ा शोरूम है और माशाल्लाह से अभी कोई 28 गाड़ियां मैंने यहां पर काउंट करी हैं, तो 28 गाड़ियों को जल्दी जल्दी दिखाना होगा। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ जाते हैं, एक और कल्टस हमारे पास मौजूद है सर, इस कल्टस के बारे में बताएं, क्या मॉडल है सर ये गाड़ी का? 2015 का मॉडल है, ये तीनों गाड़ियां एक ही कंपनी से मैंने परचेस की थी, तो 7 गाड़ियां, आप थोड़ा लेट आए तो 4 सेल हो गई हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 3 गाड़ियां हैं, तीनों 2015 के मॉडल हैं और ये तीनों के जो है 14.5 लाख रुपए। तो गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोगों को साथ साथ जो है वो दिखाते हैं, बाकी नौमान भाई मुझे ये बताएं 14.5 14 यानी कि सेल लगा दी आपने तो सर। ऐसे ही। तो गाड़ी का इंजन रूम वगैरह भी आप लोग जो है वो चेक करें, यहाँ से सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है वो साथ साथ दिखा रहा हूँ, तो 14.25 लाख रुपए में ये गाड़ी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। तो गाड़ी तो हमने जो है वो देख ली है, बाकी बताएं सर डिटेल्स थोड़ी सी हमें। सर ये कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, सारी फर्स्ट ऑनर गाड़ियाँ हैं और एक दो नहीं है, पूरी लाइन लगी हुई है और मतलब हमने सेल लगाई हुई है और एक मतलब सारी गाड़ियों की तकरीबन सेल है और कराची में मतलब जो मार्केट चल रही है आप चेक करें, आइडिया करें, उसके बाद हमसे गाड़ियां लेके जाएं। तो भाई ये आप लोग चेक कर लें, पहले देखें, पहली बात है आप तो सबको ही पता है रेट, पूरे पाकिस्तान में सबको ही पता है, सब ऑनलाइन चेक कर लेते हैं नौमान भाई, तो भाई पहले चेक करें रेट, उसके बाद जो है वो नौमान भाई के पास आए। तो नौमान भाई हमने दूसरी गाड़ी भी दिखा दी थी, तीसरी चौथी कितनी कितनी है सारी, ये मकसद 14.25 जो है 14.25 लाख रुपए की। उसके बाद VXL गाड़ी जो मार्केट में इस वक्त बहुत शॉर्ट है, जो करीम उबर और रेंटा कार के हवाले से लोग लेना चाहते हैं, मेरे
पास दो VXL भी अवेलेबल हैं, उसमें एक EFI है एक नॉन EFI है। ठीक है सर, इस गाड़ी की डिटेल्स हम लोग लेते हैं। देखिए तीन गाड़ियां तो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, दो इसके अंदर 2015 मॉडल हैं और एक जो है वो 2014 मॉडल है, 14 लाख रुपए में कर देंगे। ठीक है, 2014 वाली कौन सी है सर? ये वाली, ग्रे ये वाली, ग्रे वाली गाड़ी दिखा दें थोड़ा सा आप जो है वो, यहाँ से मैं आप लोगों को गाड़ियां दिखाऊँ। तो ये तीन गाड़ियां नहीं थी जिसमें एक जो है वो गन मेटालिक दिखाई है, इसमें एक व्हाइट कलर दिखाया और एक और जो है वो आप लोगों ग्रे कलर जो है वो दिखाया। तो ये तीन गाड़ियां जो है वो आप लोगों को दिखाई हैं। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आए हम लोग। सर व्हाइट वाली जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, क्या मॉडल है सर ये गाड़ी? 2006 का मॉडल है, VXL कल्टस है, पावर स्टीयरिंग पावर विंडो वाली है, ये भी वन हैंड यूज है, कंपनी मेंटेन्ड है। देखें गाड़ियों में कल्टस में एक फॉल्ट है कि इसकी छत पे रबर नहीं होती, आप जितनी भी गाड़ियां देखेंगे उसकी छत पे रबर आती है। मेरे पास किसी भी गाड़ी की ये छत से गल जाती है, कोई भी एक भी गली भी नहीं मिलेगी आपको छत तो से। ये आप लोग चेक करें व्यूअर्स, थोड़ा करीब से भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखने बॉडी में जो है वो परफेक्ट, यानी कि इसका मतलब है गाड़ी आप लोगों को मिल रही है, कोई रस नहीं है। वरना ऐसा होता है ना कि आप लोगों को पता है नॉर्मली जो हैंड यूजर होता है वो यूज़ कर रहा होता है उसको इतना पता ही नहीं होता, ऊपर से गाड़ी गलने लग जाती है। सो गाड़ी का इंजन रूम भी हम लोग जो है वो साथ साथ दिखाते हैं आप लोगों को, ये गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं। सर क्या पैसे बोले थे इसके नवान भाई आपने? सर मुझे 7,80,000 रुपये में आपको VXL कल्टस दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, 7,80,000 रुपये में ये गाड़ी हमारे भाइयों को मिल जाएगी। और जो लोग गाड़ी ढूंढ रहे हैं, और थ्रू आउट पेट्रोल है सारी गाड़ियाँ, सारी कंपनियों की पेट्रोल चली हुई गाड़ियाँ ये। ठीक है सर, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो हम लोग आ जाते हैं। एक और व्हाइट कलर में गाड़ी है सर, इसके भी थोड़ी डिटेल्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें। 2010 की VXL कल्टस है, ठीक है, पावर स्टीयरिंग पावर विंडो वाली है, इसमें आफ्टर मार्केट अलाइरिम लगे हुए और इसके 10,80,000 रुपये डिमांड है। सो ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग देख लें, गाड़ियाँ सारी देखें आपके सामने हैं, कंडीशन वाइज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और देखें एक नहीं है गाड़ी, चॉइस आपके हाथ में है, जो मॉडल लेना है जो गाड़ी लेनी है एक नहीं, माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो 8 से 10 गाड़ियाँ मुझे कल्टस नज़र आ रही हैं। तो जो पसंद आए आके जो है वो ले जाएँ। इस गाड़ी का इंजन रूम मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ किस तरीके से मौजूद है। सो काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स बोलते हैं कि हसन भाई इंजन रूम लाजमी दिखाया करें, तो इसी तरीके से साथ साथ हम चल रहे हैं इंजन रूम भी गाड़ियों के आप लोगों को जो है वो विजिट करवा रहे हैं। तो ये गाड़ी भी आप लोगों ने जो है वो देख ली है। सर इसके क्या पैसे बताया आपने एक दफा रिपीट? 10,80,000 रुपए में VXL कल्टस है, इसमें आफ्टर मार्केट 1,00,000 रुपए के अलायरम भी लगेगा। ठीक है, 2000 10 का मॉडल, 10 का मॉडल है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो आ जाते हैं, एक और गाड़ी हम लोगों को नजर आ रही है, लिमिटेड एडिशन कल्टस है 17 में। ये बहुत कम गाड़ियां आई है, गिनी चुनी गाड़ियां आई है, ये गाड़ी देख लें, ये इसके डिमांड है 16 लाख रुपए, बाकी मौके पे बैठेंगे तो और कमी बेशी हो जाएगी, ये पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। तो जो लोग भी बोलते हैं ना कि भाई एसएन भाई बिल्कुल एंड का मॉडल चाहिए, आखिरी की गाड़ी चाहिए ताकि गाड़ी मिल जाए हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी, तो उन लोगों के हिसाब से जो है ये गाड़ी है। गाड़ी आप लोग देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। और दूसरी चीज़ स्पेशल एडिशन अलॉय रिम इसमें मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। सो इस गाड़ी का भी इंजन रूम वगैरह भी आप लोगों को साथ साथ जो है वो मैं दिखाता हूँ, तो मेरे साथ साथ ही आप लोग भी देखें। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ करें नीचे जाके आप लोग कमेंट करा करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी पूरी वीडियो में आप लोगों को ऊपर जो है वो नंबर जो है वो नौमान भाई का नज़र आ रहा होगा, तो कांटेक्ट आप लोग जो है वो इजीली कर सकते हैं। अच्छा नौमान भाई, 2017 15 लाख, ये 16 लाख रुपये डिमांड है, मौके पे और कमी बेशी कर लेंगे। ठीक है, यानी कि मजीद डिस्काउंट हो जाएगा जो बंदा आके बैठ गया। उसके अलावा हमारी जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी इंस्पेक्शन हुई हुई गाड़ियाँ, कार सॉल्यूशन कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है, चेक गाड़ी और कार सॉल्यूशन इनसे हमारी गाड़ियाँ सारी इंस्पेक्शन हुई हुई है। अगर आप चाहेंगे तो जो गाड़ी परचेज करना चाहता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन भी करवा देंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई इंस्पेक्शन करवाने की भी आपने ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोगों को 2-3-4-5 हज़ार रुपये जो है वो अलग से देने पड़ते हैं। तो वो भी नौमान भाई ने हल निकाल दिया कि वो भी आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो साथ साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ चुके हैं, स्विफ्ट मुझे यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें। एसएन भाई, दो स्विफ्ट मैंने एक कंपनी से ली थी, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन ओरिजिनल हैं, बहुत लो माइलेज हैं, दोनों वन हैंड यूज़ थी, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, ये सेल हो गई है। ये 2013 का मॉडल था, फिलहाल ये 2016 का मॉडल है, ये अवेलेबल है मेरे पास। तो ये आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे आने से पहले यहाँ पर जो है वो सौदे होना शुरू हो गए हैं, तो माशाल्लाह से भाई एक गाड़ी जो है ये सेल हो चुकी है, लेकिन आपने जो है वो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना भाई, एक गाड़ी आपकी नहीं है जो है वो नौमान भाई ने बचा के रखी है। सर इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताएं, क्या पैसे हैं, क्या इसके अंदर रियायत मिल रही है हमारे व्यूवर्स को? सर ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल है, वन हैंड यूज है और अच्छी गाड़ी, नस्ली गाड़ी का सौदा है, और मार्केट इसकी 20-22 लाख रुपये है, मैं आपको दे दूंगा सिर्फ 19,80,000 रुपये। ठीक है जी, 19,80,000 रुपये में ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। गाड़ी में साथ साथ जो है वो आप लोगों को एक नज़र दिखा भी दूं, तो ये आप लोग चेक कर लें, ड्राई बैटरी गाड़ी यानी कि बिल्कुल आप लोगों के सामने है, कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह आप लोगों को नजर नहीं आए होंगे, इंजन रूम भी आप लोगों ने जो है वो देख लिया। तो जिस भाई को ये गाड़ी पसंद आए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऊपर आप लोगों को नंबर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ जाते हैं, तो नेक्स्ट गाड़ी मुझे यहाँ थोड़ा सा खुसूसी नज़र आ रही है, जो हमारे नए नए सिविक वाले लड़के हैं खासतौर पे जो गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमें यूजी ग्रेड जो है वो मिल जाए, कोई सनरूफ वगैरह भी हो और चीज़ उसमें मौजूद हो, तो सर इस गाड़ी के बारे में भी डिटेल्स दें, क्या मॉडल है सर ये? बिल्कुल सर, ये 2017 की यूजी है, मार्केट में बहुत शॉर्ट है, गन मेटालिक कलर है, हर शख्स आके पहला गन मेटालिक कलर मांगता है,
गन मेटालिक या व्हाइट मांगता है। गन मेटालिक कलर में गाड़ी है, एक आध पीस कोई टचअप होगा माइनर सा। इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हमारे पास अवेलेबल है आफ्टर मार्केट। इसके अंदर जो है टीवी नेविगेशन वगैरह लगा हुआ है, लेदर कुशन सीट्स हैं इसके अंदर। गाड़ी आप चेक करें, पसंद करें। इसके भी लोग 48, 49 मांगते हैं, मैं सिर्फ आपको दे दूंगा 44 में ही आपको। चैलेंज जी, 44 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। गाड़ी आप लोगों ने व्यू चेक कर लिया गाड़ी का किस तरीके से है। गाड़ियां नॉट आउट जो है वो सारी बिल्कुल जो है वो क्लियर करके रखी हुई है। बाकी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो है वो अंदर से भी गाड़ियाँ जो है वो दिखा रहा हूँ किस तरीके से मौजूद हैं। तो जो भी भाई थे हमारे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि एहसन भाई कोई सिविक भी जो है वो हमें दिखाएं, तो ये गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है। गाड़ी पसंद आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नंबर नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो आ जाते हैं। तो सिविक तो आप लोगों ने देख ली, सिविक के साथ साथ ही आप लोगों को पता है कि भाई सिटी की भी काफी ज्यादा डिमांड होती है कि पेट्रोल एवरेज अच्छा मिल जाए। ऐसे ही नोमान भाई, तो नोमान भाई इसकी क्या कहानी है थोड़ा सा बताएं। व्हाइट कलर में ये गाड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है। ऑटोमेटिक सिटी है मेरे पास, 2018 का मॉडल है, नस्ली गाड़ी है चलने में, इंजन में, और पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। कोई इसका पैनल टचअप नहीं है गाड़ी का। इसके अंदर भी आफ्टर मार्केट जो है एंड्रॉयड पैनल वगैरह लगा हुआ है। चलने में अच्छी गाड़ी है और इसकी 38 लाख रुपीज़ डिमांड है। मौके पे बैठेंगे तो जो हमसे कमी भी ठीक है। क्या मॉडल बताया था सर? 2018 31 दिसंबर 2018 की ये रजिस्टर्ड है, और 18-19 आप कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये गाड़ी भी आप लोगों ने देखी तफसील से, डिटेल्स वगैरह रिपोर्ट आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो तकरीबन डिटेल्स आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बताएं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो उसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है बढ़ जाते हैं, जो हमारे बोलते हैं कि भाई ओल्ड मॉडल, थोड़ी सी पुरानी गाड़ियाँ भी दिखा दें। तो निसान सनी हमारे पास मौजूद है, गाड़ी की तरफ जो है वो कैमरा करें सर। तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। नोमान भाई इसकी डिटेल्स वगैरह दें सर, क्या मॉडल है, क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? 98 का मॉडल है और ये पूरी बेक पेंट हुई हुई है, बहुत अच्छी तैयार है। एक मैकेनिक भाई हैं हमारे, उन्होंने ये तैयार करी थी तो उनसे ही मैंने परचेज करी है। इसमें अलाय रेम, टीवी, बैक कैमरा और थ्रू आउट पेट्रोल चली गई, इंजन से बहुत 100 गाड़ी है। इसके 6.25 लाख रुपये डिमांड है। जो कम पैसों में कोई सलून सेडान गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये देख लें आप लोग जो कम रेंज की गाड़ी ढूंढ रहे हैं, सेडान ढूंढ रहे हैं, यानी कि डिग्गी भी चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए थोड़ी लेकिन पैसों में मुनासिब चाहिए, तो उन भाइयों के हिसाब से जो है ये गाड़ी है। और जैसा कि भाई ने बताया, नवान भाई ने, कि भाई अभी न्यू रिसेंटली जो है इन्होंने पेंट वगैरह करवाई है, तो उस हिसाब से भी गाड़ी आप लोग जो है वो देखिएगा। अच्छा नवान भाई, इसका पेट्रोल एवरेज वगैरह क्या होता है? ये भाई गाड़ी है, ये पेट्रोल एवरेज में अच्छी होती है, 13+ ही देती है गाड़ी। ठीक है, 13+ जो है वो इसका पेट्रोल एवरेज आप लोग को मिल जाता है। सर क्या पैसे बोले थे, एक दफा रिपीट करेंगे? 6,30,000 रुपए में ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो हम लोग आ चुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कितनी गाड़ियां हमने आपको दिखा दी। तो यहां से आप लोग चेक करें, माशाल्लाह से 2 पूरी लाइंस हम लोगों ने आप लोगों को चेक करवा दी है, सबके रेट बता दिए हैं। अब आ चुके हैं हम लोग हाईजेट की तरफ। जो लोग बोलते हैं ना कि एहसन भाई बड़ी गाड़ी हमें चाहिए, हमारे जो फैमिली मेंबर ज्यादा हैं और जाने में प्रॉब्लम होती है, तो भाई ये गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर लें, ये सोल्यूशन है आप लोगों के पास। तो सर इसकी डिटेल्स हमारे साथ नोमान भाई शेयर करें, क्या इसका हिसाब किताब है सर? सर आजकल 660 सीसी गाड़ी पे जो है दुनिया पागल हुई है। 660 सीसी गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल है, वन हैंड यूज है ये, और कंपनी की चली हुई गाड़ी है। इंश्योरेंस ट्रैकर भी था इसमें, ट्रैकर अभी इन्होंने अनइंस्टॉल करवाया है। ब्रांड न्यू टायर है, ये जो उसके ऊपर जंगला लगा हुआ है ये भी ओरिजिनल जापानी है। और इसके जो है 13,80,000 रुपये का दहन है मेरा देने का, बाकी मौके पे बैठेंगे तो जो मुनासिब होगा वो कर लूंगा। और ठीक है, ब्रांड न्यू चलने में गाड़ी है, फुल ऑप्शन वाली, 2 पावर वाली गाड़ी है। ठीक है, तो जो लोग भी भाई हमारे ढूंढ रहे थे हाईजेट, हाईजेट भी आप लोगों को दिखा दिए सर। मॉडल एक दफा मेरे साथ रिपीट कर दीजिए। 2012 मॉडल है और ये 2016-17 की रिकंडीशन है। इसके अंदर टीवी लगा हुआ है और फ्रंट से भी आप लोग देखें, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने जो है वो इंस्टॉल करवाई है, जिसके अंदर एलसीडी पैनल हो गया, बाकी इसके अंदर जो है वो पावर विंडोज आप लोगों को जो है नजर आ रही होगी। 2 पावर जो है ये गाड़ी है, ऊपर जो है वो इसके केज वगैरह लगा हुआ है, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, तो यानी कि बिल्कुल मेंटेन मिल रही है। आप लोगों को गाड़ी लेनी है और सिर्फ चलानी है। डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो नवान भाई ने शेयर करी। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ नवान भाई बढ़ जाते हैं। मशहूर जमाना इंडस करोला सर, इसका तो नाम आता है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है सर, तो इसकी भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। सर ये 97 की गाड़ी है और शहजादी गाड़ी है चलने में, इंजन में अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, ओन इंजन पे है, आफ्टर मार्केट अलाय रिम टायर लगे हुए हैं, पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छा है गाड़ी का, ये गाड़ी देख सकते हैं और ओन इंजन पे गाड़ी है अभी तक ये। ठीक है सर, क्या मॉडल बताया आपने? सर ये 97 का मॉडल। ठीक है, 97 मॉडल की हम लोगों के पास इंडस करोला जो है वो मौजूद है। गाड़ी आप लोगों ने जो है वो देखी, बिल्कुल यानी कि साफ सुथरी जो है वो रखी हुई है। बाकी आप लोगों को पता है कि भाई ये गाड़ी जो है वो जो रखने वाले लोग हैं ना, जिनको पता है कि भाई ये पहाड़ों वाली गाड़ी है, यानी कि खड्डे वड्डे बिल्कुल पता नहीं चलते सस्पेंशन वगैरह इसका। तो इसका इंजन रूम भी आप लोगों को साथ साथ जो है वो दिखाते हैं, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोगों को साथ साथ जो है वो विजिट करवा रहे हैं सर। तो मॉडल वगैरह तो सारी चीज़ें बताई सर, इसके पैसों में बिल्कुल हमें जो इंडस के शौकीन हैं जो देख रहे होंगे वो बोल रहे हैं बस कि हाँ यार
आए AKS मोटर से और ये गाड़ी की चाबी लेके जाए। सर ये आप मुझे 7,90,000 रुपए दे दिएगा और ले जाए गाड़ी। चलें जी 7,90,000 रुपए में। अभी आप लोगों को पता है मार्केट क्या चल रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन लोग 10-10 से भी ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसी है। तो मार्केट भाई बहुत हाई चल रही है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है आ जाते हैं। नौमान भाई नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है जो विजिट करवा रहे हैं? ये सुजुकी खैबर है, 94 का मॉडल है, ऑलमोस्ट ओरिजिनल गाड़ी है, छत ओरिजिनल है, ये साइड के पैनल ओरिजिनल है, चलने में बहुत अच्छी है, थ्रू आउट अभी तक पेट्रोल चली हुई फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। सो जो लोग भी भाई पुराना मॉडल ढूंढ रहे थे, मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कैसन भाई पुराने मॉडल में गाड़ियां जो है वो दिखाएं ताकि हमारी रेंज में जो है वो गाड़ी आ जाए, लेकिन गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। तो नुमान भाई डिटेल तो आपने जो है वो दी, सर पैसों में क्या आ रही है ये गाड़ी? क्योंकि देखें अभी जो है ना वो जो कम रेंज वाले होंगे ना वो यार रुक गए होंगे, बोल लेंगे यार ये गाड़ी आज हम लेंगे। सर ये मैं आपको बाइक के पैसों में दे दूंगा, 3,60,000 रुपये। बाइक के पैसों में? बिल्कुल। किसके पैसों में देंगे? मोटरसाइकिल के। बाइक के पैसों में आपको गाड़ी दे रहा हूँ, एसी भी वर्किंग में, एसी में आप फैमिली के साथ घूमें, 3,60,000। चलें जी ये आप लोग चेक कर लें, ये हुई ना बात नुमान भाई ने। भाई आज तो बोल रहे हैं भाई बाइक के पैसों में एसी वाली गाड़ी में भाई घूमे। गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर लें, गाड़ी आप लोग को जो है वो दिखाई है। बाकी एक मजीद डिटेल्स चाहिए तो भाई देर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, फौरन कॉल कीजिएगा, वरना गाड़ियां मैं आप लोगों को बता दूं, एक वो सेल हो गई, उसके अलावा 3-4 गाड़ियां मेरे ख्याल से एक ये मेहरान सेल हो गई है, 2 वो सेल हो गई है। तो माशाल्लाह से 4 गाड़ियां अभी भाई जब से आके बैठे हुए सौदे बन रहे हैं, बाद में आप ये शिकवानी कीजिएगा कि एहसन भाई ये गाड़ी थी अब तो नहीं है, तो भाई ऐसे ही सौदे बन रहे हैं। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी दिखा रहे हैं हम? सर ये कोरे सेल हो गई है, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, अभी फिलहाल ये मेहरान अवेलेबल है मेरे पास, 98 का मॉडल है, सीटें कुशन ब्रांड न्यू बंदे में, पेट्रोल चली हुई है, भी अच्छी चली हुई गाड़ी है, सिर्फ 2,75,000 रुपए में। तो ये आप लोग चेक कर लें भाई, गरीबों की गाड़ी जो भी हमारे यानी कि पाकिस्तान में, अगर हम, के पैसों में। हाँ, अगर हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में जो भी फैमिली की पहली गाड़ी होती है तो वो मेहरान ही होती है, गाड़ी सबने सीखनी होती है। भाई अगर गाड़ी सीखना चाह रहे हो तो ये गाड़ी बेस्ट है, मोटर बाइक भी नहीं भाई इतने में मिल रही है जितने की जो है ये गाड़ी इन्होंने जो है वो लगा दी है। 2,00,000 नमन भाई कितना बोले आपने? 2,75,000 रुपए में ये गाड़ी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, देख लीजिएगा। मजीद मालूम जो है वो नुमान भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। नुमान भाई इंजन रूम वगैरह कैसा है इस गाड़ी का? मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। इंजन रूम वगैरह भी शेयर करते हैं। बाकी इंटीरियर में सीट्स भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई इंजन अंदर से इंटीरियर जो है वो गाड़ी का खराब हो रहा हो, तो ये चीज़ें भी आप लोग को जो है उसमें नई बनी हुई मिल रही हैं। बाकी आप लोग ये चेक कर लें अंदर, अच्छा कोई कलर वगैरह का काम तो नहीं होगा? इंजन रूम से 100% ओरिजिनल है, बाहर से पूरी शावर है, एसी भी इसमें कंप्लीट लगा हुआ है, सिर्फ बेल्ट वगैरह गैस का काम होगा, बैटरी इसमें अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी गाड़ी है, टायर भी नए हैं। चलिए जी तो इसकी भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ जाते हैं। सर ये नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। सर नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है हमें जो है वो विजिट करवा रहे हैं? सर ये 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, इनको कमाऊपूत गाड़ियां कहते हैं, ये दोनों कमा के देने वाली गाड़ियां हैं। ये 2017-18 की हाईरूफ है मेरे पास, पूरी ओरिजिनल है, कंपनी की चली हुई गाड़ी है, ट्रैकर इंश्योरेंस सब है इसमें अंदर, अभी ट्रैकर इसका अनइंस्टॉल होगा। ये कारवान है, आजकल पूरी दुनिया कारवान मांग रही है, 17,000 चली हुई बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल गाड़ी है। तो ये आप लोग चेक कर लें भाई, जो बिजनेसमैन हमारे बैठे हैं ना अभी वीडियो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कोई कारोबार शुरू कर लें, कोई पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू कर लें, तो हाईरूफ आप लोगों के लिए मौजूद है। सर क्या मॉडल बताया ये आपने गाड़ी? सर ये 2017 का मॉडल है, EFI इंजन वाली गाड़ी है, 17-18 का ये एवरेज दे रही है, बहुत लो माइलेज है इसका और इसके 9,80,000 रुपये डिमांड है। ठीक है जी, तो ये गाड़ी भी आप लोग देख लें, बाकी ये गुंजाइश हो जाएगी ना हमारे व्यूअर्स के लिए, जो आएगा नाराज होकर तो नहीं आएगा। बिल्कुल, और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं किसी बैंक से तो वो भी सारा केस मैं करवा के दे दूंगा। चलें जी ये तो बहुत अच्छी कहानी हो गई। तो जो लोग बोल रहे थे कि भाई इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी गाड़ी की, तो आज तो ब्रांड में बातचीत करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पूरा जो है वो बताएंगे। बाकी इसके बारे में इसकी भी डिटेल्स दे दें, क्या मॉडल बताएंगे आपने? सर ये 2020 का दिसंबर है, 2021 है, 17,000 जनवन माइलेज है, पूरी ओरिजिनल है, ये भी आपको फाइनेंस करवा के दे दूंगा मैं। इसकी 20-21 लाख रुपए लोग मांगते हैं, मैं 19 लाख रुपए में आपको दे दूंगा, और तो बैंक से बोलेंगे तो वो भी फाइनेंस करा दूंगा। तो ये आप चेक कर लें, पहली बात तो ये कि 20-21 लाख की मार्केट चल रही है और भाई दे रहे हैं 19 लाख रुपए में। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। बाकी फाइनेंस का बहुत अच्छा ऑप्शन जो है ये आपने दिया हमें, बाकी हम इसके बारे में भी मजीद आप लोगों को तफसीलात दे देंगे एंड में। तो ये आप लोग चेक कर लें, ऑल्टो हमारे पास जो है वो आ चुकी है वाइट कलर में। सर क्या मॉडल है ये? सर एक 2012 मॉडल है और एक 2008 मॉडल है, ये दोनों एक ही कंपनी से मैंने ली। ये मेरे पास तकरीबन 20 गाड़ियों का स्टॉक था, इसमें से 4 गाड़ियां अवेलेबल थी आज सुबह तक, अभी 2 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल रह गई है। तो भाई देख लें, ये 2 गाड़ियां भी हमारे खुशनसीब इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे। सर 2012 मॉडल की क्या डिमांड कर रहे हैं? सर इसके अंदर पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट अलाय रिम लगे हुए हैं, सीटें अभी तक देखें प्लास्टिक चढ़ी हुई थी इन गाड़ियों की, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल गाड़ी है, 10 लाख रुपए भी मांग रहे हैं लोग, 10.5 लाख रुपए भी मांग रहे हैं, मैं आपको 9.5 लाख रुपए में दे दूंगा। सो ये आप लोग चेक कर लें कल संडे वाली वीडियो में, जिन लोगों ने कल की वीडियो या संडे वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी उसमें आप चले जाएं, उसके अंदर 3 गाड़ियां मैंने 2012 ऐड करी हैं, रेट चेक कर लें उसके बाद आके ले जाएं। बात ही खत्म हो गई नौमान भाई, मैंने तो मार्केट चेक की हुई है,
तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं सर, ये कौन सा मॉडल है? ये 2008 का मॉडल है, ये भी अभी तक कंपनी के नाम है, जो लेगा वो फर्स्ट ऑनर होगा। और तकरीबन ओरिजिनल गाड़ी है, 2008 का मॉडल है, इसके 8 लाख रुपए डिमांड है। ठीक है जी, 8 लाख रुपए में ये गाड़ी मिल जाएगी आप लोगों को। बाकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। एक और गाड़ी हम लोगों के पास मौजूद है, मेहरान सर। मेहरान, एक तो हमने जो है वो दिखा दिया तोहफा, एक नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ चुके हैं, इसके बारे में बताएं सर। ये 2011 की पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, साफ सुथरी गाड़ी है, और चलने में इंजन सस्पेंशन अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, लें और चलाएं बस। तो जो भी लोग बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा ऊपर का मॉडल हो, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसों में भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम पैसों में भी ना हो, तो मिड रेंज में जो ये गाड़ी आ गई। और दूसरी चीज़ ये कि भाई ओरिजिनल गाड़ी है, तो फिर तो आप लोगों की टेंशन ही जो है वो खत्म हो गई। तो नौमान भाई, क्या पैसे इस गाड़ी के जो है? 580,000 डिमांड है। ठीक है, 580,000 रुपये में ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। जिन भाई को गाड़ी पसंद आया कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ चुके हैं, एक और कोरे हम लोग को यहाँ पर नजर आ रही है सर। सर ये 2009 की कोरे है और मैनुअल गाड़ी है ये। आप बोलेंगे इसको ऑटोमेटिक में चाहिए आपको, तो ये ऑटोमेटिक की फैसिलिटीज भी हमारे पास अवेलेबल है, हम कोरे मैनुअल को ऑटो करा के भी देते हैं। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट भी हो जाएगी हमारे पास, ओरिजिनल कन्वर्ट। सो जो लोग छोटी गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना, बोल रहे हैं भाई ऑटो, यानी कि मैनुअल गाड़ी हो लेकिन कम पैसों में हो, ऑटो हो जाए, बिल्कुल, तो भाई ऑटो भी करवा के दे रहे हैं नौमान भाई। तो नौमान भाई, पैसे इसके क्या होंगे? इसके 7,80,000 रुपए का ध्यान है मेरा देने का। चलें, 7,80,000 रुपए नौमान भाई ने बोले हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे तो मजीद जो हो सकेगी गुंजाइश, जाहिर सी बात है बंदा बैठता है बातचीत करता है तो मजीद कमी हो जाती है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ जाते हैं, ईगल आई सिविक हमारे पास मौजूद है सर, इसके बारे में बताएं। ये 2004 का मॉडल है, ओन इंजन पे गाड़ी है, चलने में इंजन सस्पेंशन बहुत अच्छी है, टायर इसके बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, अभी फिलहाल लें और चलाएं। चलिए जी, लें और चलाएं वाली जो है वो कहानी है। तो जो लोग भी सिविक ढूंढ रहे थे हमारे भाई, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है। सर पैसों में क्या दे रहे हैं ये गाड़ी आप? सर ये सिर्फ 12.5 लाख रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 12.5 लाख रुपए में 2004 मॉडल ईगल आई सिविक आप लोगों को जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो है वो आ जाते हैं। तो सर नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास कौन सी मौजूद है? सर ये अभी अभी बंदे की कॉल आ रही है और ये भी गाड़ी फाइनल हो गई है। ये मेरे पास जैपनीज गाड़ी थी, 2014 और 18 की गाड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फाइनल हो गई। चलें जी, तो भाई हम इतनी देर में सारी गाड़ियों से घूम के आए, तो ये मैंने खसूसी तौर पर जैपनीज गाड़ी आप लोगों ने रोकी थी, लेकिन नौमान भाई बोल रहे हैं कि अभी ये फाइनलाइज जो है वो हो चुकी है। तो देख लें भाई, सौदे इस तरीके से बन रहे हैं। बाकी नौमान भाई चलते हैं, थोड़ा सा बताते हैं बैंक के बारे में, हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आप लोगों को तकरीबन कोई 26-27 गाड़ियाँ जो है वो दिखाई, जिसके अंदर कुछ गाड़ियों के सौदे हो भी गए, वो भी आप लोगों के सामने थे। तो नौमान भाई, हमें जो है वो साथ साथ आप गाइड करें। आपने जो है वो वीडियो के एंड में जब हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि आप गाड़ियाँ फाइनेंस भी करवा देते हैं, तो इसका क्या होगा, किस तरीके से होगा अगर कोई बायर आता है हमारे पास? बिल्कुल, UBL से, मीज़ान से और दुबई इस्लामिक से जो है मैं आपको गाड़ियां फाइनेंस करवा के दे सकता हूं। सिर्फ आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए, बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही है कि 1 ईयर की स्टेटमेंट चाहिए, और जो सारा प्रोसीजर है वो सारा मैं करवा के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हमें अभी तक बोल रहे थे कि हसन भाई हमें इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, तो माशाल्लाह भाई नौमान भाई ने आज आपका ये भी मसला हल कर दिया है। बाकी इसके अलावा जो कैश में खरीदना चाहते हैं, कैश में ये होता है कि जब बंदा बैठा होता है तो पैसे और मुनासिब हो जाते हैं, ऐसे ही नौमान भाई? बिल्कुल। तो जो भी भाई हमारे कैश वाले भाई हैं वो इंशाल्लाह ताला आएंगे, बातचीत करेंगे गाड़ियों के बारे में, तो और मजीद जो हो सकेगा वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। बाकी नौमान भाई, कोई भी घर वाला बंदा खरीदता है गाड़ी, तो एक्सीडेंट का जैसा कि आपने मुझे बताया कि एक्सीडेंट की आपकी गारंटी है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे। देखें, हमारा जो शोरूम है, हमने शुरू से, हमारा 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने जो हमारी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हम लोग अवेलेबल होते हैं। ये पूरे कराची का वाहि शोरूम है जो सुबह 9 बजे खुल जाता है, और उसके अलावा पूरे कराची में कोई बैंक फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड नहीं करता, हम आपको बैंक फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि अभी पूरे कराची में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बैंक से फाइनेंस करवा के गाड़ी जो है? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई नहीं देता बैंक फाइनेंसिंग करने, फटी की होती है, इसमें मसले मसाइल होते हैं, हम फाइनेंसिंग फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल करेंगे, और सुबह आप 9 बजे आए, हम 9 बजे अवेलेबल होंगे। चलिए जी, तो देख लें भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग आए और जो है वो हमारा काम हो जाए, खासतौर पर हमारे सिंध वाले काफी सारे लोग जो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सुबह ही सुबह, जाहिर सी बात है उनकी तो आदत रूटीन ऐसी बनी होती है कि भाई सुबह ही सुबह वो आते हैं। तो देखिएगा भाई, ये सारी फैसिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद है। बाकी नौमान भाई, कोई भी घर वाला बंदा खरीदता है गाड़ी, तो एक्सीडेंट का जैसा कि आपने मुझे बताया कि एक्सीडेंट की आपकी गारंटी है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल। कल को ऐसा तो नहीं कोई आके बोले यार नौमान भाई ने हमें ऐसी गाड़ी दे दी? सर जब आपका हमारी गाड़ी से 2-3 साल बाद दिल भर जाए ना, आप वापस खड़ी करें और दोबारा भेज देंगे गाड़ी। चलिए, बेफिक्र। तो ये नौमान भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की कि आप चला लें, गाड़ी चलाना सीख लें, अगर नहीं दे रहे हैं या वैसे ही आपने जो है वो बहुत ऊबर करीब में, आजकल आप लोग पता है नौमान भाई काफी गाड़ियां जो है वो लोग यूज कर रहे हैं, तो जब आपका टाइम पूरा हो जाए, जब आपका दिल भर जाए, तो आए दूसरी गाड़ी लेने। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है नौमान भाई। बाकी कोई खुसूसी ऑफर देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो बताएं सर? हमारे पास ट्रांसफर जो है, हम लोग तमाम गाड़ियां करवा के देते हैं,
तो आप आएंगे तो अगर हमारा सौदा नहीं बन रहा होगा तो हम आपको ट्रांसफर फीस फ्री दे देंगे। ठीक है, यानी कि वो पैसे भी बच जाएंगे 8 से 10 हज़ार रुपए, वो भी बचत यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। 2023 तक का हम टैक्स क्लियर देते हैं तमाम गाड़ियों का, 80-90% गाड़ियाँ फर्स्ट ऑनर होती हैं हमारी। ठीक है, तो ये जो है वो आज की मुकम्मल डिटेल्स थी, जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते थे सारी चीज़ें जो है बताई। बाकी कोई चीज़ अगर हम पूछना भूल रहे हो नवान भाई से तो आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा नवान भाई, एक और चीज़ यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं, लोकेशन अगर कोई बंदा आ रहा है तो कैसे पहुंचेगा लोकेशन सर गाइड? सर बहुत आसान है, गुलिस्तान जौहर में मेन मुनव्वर चौरंगी पे ही हमारा शोरूम है। हमारे शोरूम के जस्ट अपोजिट जो है वो केबीज रेस्टोरेंट है और बराबर में नवाबिश रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी लोकेशन है, बस आप जौहर चौरंगी पे जब आएंगे तो आप लोगों को किसी से भी पूछेंगे तो दोनों चीज़ें जो है वो आप लोगों को आसानी जो है वो मिल जाएंगी। तो नौमान भाई, इन दी एंड आपका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग शेयर कर लेते हैं, किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें सर? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0345-2828-469। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखिए तो भाई वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर लिए, अगर हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी AKS की अपडेट्स हों आप लोग को जो है मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।